प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा होटलवाला की आत्महत्या प्रकरण की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। आज विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया और सूरज पोल चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। इस मामले में पुलिस भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही तत्कालीन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सहित 5 आरोपियों की तलाश जारी है। शहर के किला परिसर से आज विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में मुस्तफा होटल वाला को श्रद्धांजलि देने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल कांग्रेस पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए सूरज पोल चौराहे पर पहुंचे। यहां पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि भूमाफिया एवं भाजपा नेताओं के गठजोड़ के चलते मुस्तफा होटल वाला को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर आरोपियों ने जिस तरह से मुस्तफा को प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया वह निंदनीय है। पुलिस इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस तत्कालीन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सहित बाकी के आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करेगी। इस दौरान वक्ताओं ने इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए मुस्तफा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि बीती 30 अगस्त को शहर के प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार मुस्तफा होटलवाला को विषाक्त सेवन के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जांच के बाद सामने आया कि मुस्तफा को भाजपा नेता और कुछ बदमाशों ने प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया। हमारे परम मित्र और समाज सेवी मुस्तफा भाई के आत्महत्या प्रकरण में जिस प्रकार से भूमाफियों ने और असामाजिक तत्वों ने दबाव बना करके उनको परेशान किया गया, आत्महत्या को मजबूर किया गया, उसको लेकर के मशाल जुलूस और श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो आज भारी तादाद में आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग पधारे हैं और सभी का एक ही कहना है कि अपराध नाम की चीज़ प्रतापगढ़ के अंदर रहनी ही नहीं चाहिए। और आप सबको पता है कि पिछले 5 वर्ष से पहले आए दिन फिरौती और फायरिंग की घटना होती थी, रोज़ बाज़ार बंद करने की स्थिति बनती थी, लेकिन इन 5 सालों के अंदर एक भी फायरिंग की घटना नहीं हुई। लेकिन लास्ट के अंदर अभी कुछ समय चुनाव का बाकी रहा और भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों और भूमाफियों ने मिलकर के मुस्तफा भाई बोरा को परेशान किया गया, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर दी। मैं आप सभी को आज ये पुनः ये आगाज करना चाह रहा हूँ, ये अपराध जो है इनके जड़ों में तेल डालने का काम रामलाल मीणा का है और इसके लिए आज सबको आगाह करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। इसलिए मैं सभी पूरे शहरवासियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपको जब तक आपका बेटा आपका भाई रामलाल मीणा है घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपशब्द भी बोलता है तो सीधे आप रामलाल मीणा को आके कहिए, उसका इलाज उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की जिम्मेदारी रामलाल मीणा की है। इसीलिए आज सभी लोगों को इकट्ठा किया है और वापस आज मैं पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे ही ये घटना हुई तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर दिया गया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष है वो ही भागते फिर रहे हैं, बाकी सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भाजपा पूर्ण रूप से अपराध के अंदर लिप्त है। आज आपने देखा होगा पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी थी तो 35 वर्षों से फिरौती और फायरिंग की घटनाएं हो रही थी, आए दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे, आए दिन फायरिंग हो रही थी, बाजार बंद हो रहे थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने घर पर बिठाया तुरंत अपराध भी खत्म हुआ, फिरौती की घटनाएं भी खत्म हुई और फायरिंग की घटनाएं भी खत्म हुई। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नए रूप में अपराध को जन्म लिया है। ये जहाँ जहाँ जमीन लोग खरीद रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, ये भी संज्ञान में आया है। अब मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके ज़मीन से भी कोई संबंधित मामला हो आप सीधा मुझे बताएं, इन भूमाफियों से और इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। रामलाल मीणा आपके साथ बैठा हुआ है।